तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों, आप लोगों के पास ऐसा कीबोर्ड अगर घर में पड़ा हुआ है जो दोस्तों काम नहीं करता, तो आज मैं ये वीडियो में इसको रिपेयर करने का ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें दोस्तों इसको रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको रिपेयर कैसे करते हैं ये कीबोर्ड को। तो मेरे पास ये कीबोर्ड था, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने सारे स्क्रू को अलग कर लिया, अभी मैं इसको खोलता हूँ धीरे धीरे। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर में ये जो पेपर जैसा जो प्लास्टिक अब दिख रहे हो, यही है दोस्तों मेन। तो इसमें क्या होता है, टाइम के साथ साथ इसमें जो धूल है, धूल इसके अंदर चला जाता है और इस प्लास्टिक को कर देता है ख़राब। तो जो कॉन्टैक्ट होता है बीचों में बटन का, वो दोस्तों नहीं हो पाता। तो इसके वजह से क्या होता है कि कीबोर्ड काम नहीं करता। और कभी कभी क्या होता है, ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हो, इसमें कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हम लोग इस मदरबोर्ड को भी चेक करना होता है। और क्या होता है, ये जो कॉन्टैक्ट होता है कार्बन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट भी कभी कभी सही से काम नहीं करता, तो इसको क्लीन करना होता है। तो ये कॉन्टैक्ट ये प्लास्टिक के साथ मत कनेक्ट नहीं कर पाता। तो हम लोग इसको क्या क्या करेंगे, इसको आईपी से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो अंदर में जो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को हम लोग करेंगे अच्छे से, धूल को अच्छे से साफ करेंगे। और कभी कभी जो ये प्लास्टिक के अंदर कभी कभी क्या होता है कि मॉइस्चर जाके इसको शॉर्ट सर्किट भी कर देता है। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद थोड़ी देर धूप पे रखेंगे। धूप पे रखने के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसका किसी भी जगह में कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ है या नहीं। होने के बाद दोस्तों हम लोग इसको फिट करेंगे और हम लोग लैपटॉप पे लगा के देखेंगे कि ये काम करता है नहीं। बस यही है, इसके अंदर बस यही चीज़ है दोस्तों। और ये देखिए, ये जो है, ये देखिए टाइम के साथ साथ ये क्या होता है, इसका जो ये रबर है, ये रबर दोस्तों छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगता है। ये दोस्तों इसीलिए होता है क्योंकि ये रबर का क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी नहीं होता। तो यहाँ पर जो मेरा कीबोर्ड है, ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी कीबोर्ड नहीं है। हालांकि दूसरा कीबोर्ड में बहुत ही ज़्यादा ये सब ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होता। चलिए इसको करते हैं क्लीन और देखते हैं ये काम करते हैं या नहीं। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों मैंने इसको सब कुछ क्लीन करने के बाद प्रॉपरली आईपी से क्लीन कर दिया अंदर का सर्किट। और दोस्तों मैंने इसको लैपटॉप में लगा के चेक भी कर लिया, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस टाइप से आपको अपना कीबोर्ड को दोस्तों रिवाइव करना है।